एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने घर में खुश होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं इस वीडियो में निविया मिल्क डिनाई फेस वाश का रिव्यू दूंगी, जो कि ये मिल्क एंड ग्राम फ्लावर का वेरियंट है। और ऑलरेडी मैंने एक फेस वाश का रिव्यू कर रखा है जो कि वो सेफ्रोन वेरिएंट है। और इनमें से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनका स्किन नॉर्मल है तो जाकर के मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये ऑयली स्किन के लिए है तो इस पर बात करते हैं। तो ये फेस वाश हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग डिजाइन किए गए हैं और इसके ऊपर लिखा गया है कि आपकी स्किन के एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा और आपकी स्किन हेल्दी लुकिंग देगा। और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं अदरवाइज उनके ये सारे प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है, जैसे कि पिंपल, ब्लैक नेट, वाइट नेट, उनकी ऑयली स्किन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम उनकी स्किन पर आ जाता है और लाइव ब्रेकआउट वगैरह, तो आपके एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। और जो आपकी स्किन पर नेचुरल ऑयल होते हैं उसे रिमूव नहीं करता है, क्योंकि आपकी स्किन पर नेचुरल ऑयल रहना बहुत ज़रूरी है। और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उन्हें लगता है कि मॉइस्चराइज वगैरह ये सारे करने से उनकी स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और उससे उनकी ऑयल फ्री रहती है और उनकी स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आने देती। एंड सिर्फ ऑयली स्किन के लिए ये फेस वाश है, नॉर्मल स्किन के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, नहीं देखा तो जा करके देख लें मेरे चैनल पर। और जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं उनकी स्किन पर खासकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब उनकी स्किन में ब्राइटनेस एंड ग्लो नहीं रहता तो उनके लिए सेफ्रोन का वेनियर फेस वाश बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये ऑयली स्किन के लिए उनका जो स्किन पर एक्सेस ऑयल है उसे रिमूव करता है और उनकी स्किन जेंटली हेल्दी एंड क्लीन करता है। और जो उनका एक्स्ट्रा ऑयल है उसे भी रिमूव करेगा। और इसमें सारे इंग्रेडिएंट एंड सारे मेंशन दिए रखे हैं। एंड बात करो पैराबिन की तो अफकोर्स बिकॉज इसमें पैराबिन है और इसमें काफ़ी बहुत सारे केमिकल ऐड हैं। और इसके अलावा परफ्यूम एंड एल्कोहल भी है इसके अंदर, मिनरल ऑयल भी है और बहुत सारे केमिकल इसमें ऐड है। अगर आपको केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं पसंद है लगाना तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना फेस वाश चूज कर सकते हैं। और इसमें गुडनेस मिल्क प्रॉपर्टी एंड ग्राम फ्लावर भी है। तो मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ, देख सकते हैं गाइस इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है और इस लाइट वेट है और इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के पार्टिकनर है जो कि ग्राम फ्लावर के हैं, काफ़ी अच्छा है। जो इसके पार्टिकनर है वो काफ़ी माइल्ड है क्योंकि इसमें बेसन है ऐड है, तो आपका जो बेसन स्क्रब का भी काम करता है तो आप इसे बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं ट्रैवल वगैरह में। और इसकी जो शेप है काफ़ी क्यूट है और ट्रैवल वगैरह में ले जाते हैं तो बिल्कुल लिकेट नहीं करेगा और आपके हैंड वगैरह में अच्छे से आ जाएगा, देख सकते हैं छोटे से क्यूट से इसकी शेप है। एंड आपको इसे कैसे लगाना है, थोड़े से अपने फिंगर टिप में थोड़ी से क्वांटिटी मिलेगा, अपने स्किन पे 2 से 3 मिनट तक मसाज करें, फिर अपनी स्किन को सादा सिंपल पानी गुनगुने पानी से धो लें, फिर इसके बाद आपकी स्किन ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होगी और आपकी स्किन ऑयली भी बिल्कुल नहीं होगी और आपकी स्किन पे एक ब्राइटनेस अच्छा सा ग्लो एंड हेल्दी वाला ग्लो प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी स्किन में पिम्पल वगैरह है तो थोड़ा बहुत वर्क करेगा आपकी स्किन पर। और जो ऑयली स्किन वाले हैं मैं रिकमेंड करूंगी उन्हें कि आपको इसे लेना चाहिए और आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा और जो आपकी स्किन पर एक्सेस ऑयल होते हैं उसे जेंटली क्लीन करेगा और आपकी स्किन हेल्दी एंड सॉफ्ट बनाएगा। तो आपको इसे एक बार जरूर से जरूर लगाना चाहिए। और मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगी, जो एक ग्राम फ्लावर वाला फेस वाश आप देख रहे हैं ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगा रखा था, क्योंकि जो उनका स्किन है काफ़ी ऑयली है और उनकी स्किन पर काफ़ी एक्सेस ऑयल था, तो ये वाला फेस वाश मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि ये फेस वाश बुरा है, मुझे उनकी स्किन पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा एंड जो उनकी स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल है डेफिनेटली कम हो गया। और मैं आपसे एक और रिकमेंड करूँगी कि ये इस फेस वाश को आप अपनी स्किन पर ज़्यादा दिन तक मत लगाएं, क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह है तो स्किन डैमेज भी हो सकती है।
और एक क्यूर से फेस वॉश की प्राइस है 85 रुपीज, और ये जो क्वांटिटी इसकी मिल रही है आपको 50 ml। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।